नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज़ हम चला रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है UPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए। दोस्तों ये जो सीरीज़ है बेसिकली एक क्रैश कोर्स है जिसमें कि UPSC प्रीलिम्स 2020 के हम करंट अफेयर्स की जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये सीरीज़ वीकली करंट अफेयर्स के रूप में चलती थी, बट UPSC प्रीलिम्स जैसे जैसे नज़दीक आया हमने इसको रीओरियंट कर दिया। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हम केवल अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो आप बेसिकली उस वीकली करंट अफेयर सीरीज़ के साथ इसको भी मिला लीजिए तो ये बन जाएगा आपके UPSC के लिए ब्रह्मास्त्र। तो आज की ये जो वीडियो रहने वाली है तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर होंगे वो है मिलिट्री एक्सरसाइज, GI टैग, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन और CBI। दोस्तों मैं इतना एश्योरिटी देता हूँ कि जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जितने GI टैग हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के बारे में जितनी भी बातें हैं और CBI से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, प्री प्लस मेंस है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड, बट प्री कम मेंस जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात लिखी गई है कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आपके अंदर आप उतने सफल हुए या नहीं जितने आपके अंदर क्षमता थी। तो दोस्तों आपकी क्षमता को ही निखारने के लिए आप IAS की टीम जो है ये सीरीज़ चला रहा है। तो दोस्तों बेसिकली जुड़े रहिए आप IAS से। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो हैं उनके टॉपिक्स हैं मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया की जितनी भी हैं, देखिए चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे USA के साथ हो, सभी एक्सरसाइज हम जो है आज की ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं आज की एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए दोस्तों इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और US के बीच में है और आर्मी एक्सरसाइज है। वहीं जब हम कुवेरिन की बात करते हैं तो इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज है और ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। ऑसिंडिक्स की जब हम बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि ऑस इन डेक्स, तो मतलब ये क्या है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ऑस इन, देखिए ऑस इंड से अलग अलग कर दीजिए, ऑस प्लस इंड, तो इससे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया की नेवल एक्सरसाइज। वहीं मित्रा शक्ति जो है वो इंडिया प्लस श्रीलंका, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि SH से श्रीलंका, THI से इंडिया, तो ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। वहीं मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है इंडो US और जापान तीनों की जो है जॉइंट एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। सुंदरबन मैत्री तो ये है इंडिया और बांग्लादेश, तो बान और त्री से आप याद कर लिए, त्री से याद कर लीजिए कि इंडिया और बांग्लादेश की है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की ये जो है सीरीज़ है। तो वहीं सूर्या किरण जो है वो इंडिया नेपाल की नेवल एक्सरसाइज है, सॉरी आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि 8 से 21 फरवरी 2016 तक चली थी। वहीं एक्स लेमात्रे 7 जो है इंडियो सेशल्स की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि आर्मी एक्सरसाइज है, जो 15 फरवरी से 28 फरवरी 2016 तक चली थी। वहीं साद मेक्स जो है वो सार्क की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है बाय NDRF। वहीं एक्सरसाइज लिव वायर जो है IF इंडियन एयरफोर्स की एनुअल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया के एयरफोर्स को कंडक्ट किया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं हैंड इन हैंड की, जब हम बात करते हैं तो ये हैंड इन हैंड है इंडिया और चाइना की आर्मी एक्सरसाइज। तो देखिए स्लिनेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया और श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है। दोस्तों इसके नोट्स भी आप बना लीजिए। इंदिरा की जब हम बात करते हैं तो इंडिया रशिया की जो है जॉइंट एक्सरसाइज है। जब हम इंडिया रशिया की बात करते हैं तो ये इंडिया रशिया की आर्मी एक्सरसाइज है। वहीं संप्रीति की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया बांग्लादेश की आर्मी एक्सरसाइज है। तो दोस्तों इनको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जो है नोट कर लीजिए, ये तीन बॉक्सेस आप बना लीजिए। इसके अलावा भी मैं आगे आपको सारी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले पेज के ऊपर। तो 2019 की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों तो 2019 में जो है चंग पतंग प्रहार जो है इंडिया की आर्मी ने जो है इसे कंडक्ट किया इन द बॉर्डरिंग चाइना एट द एल्टीट्यूड ऑफ 12,000 feet। वहीं जब एक्सरसाइज हिम विजय की जब हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम में जो है कंडक्ट की गई विद द न्यूली क्रिएटेड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। वहीं जब हम काजलैंड की जो बात करते हैं वो कजाकिस्तान और इंडिया, काज इंड, तो काज प्लस इंडिया कजाकिस्तान और इंडिया की है और ये पिथौरागढ़ में करी गई थी। अल नागाह 3
2019 जो है इंडिया ओमान की है, और ये ओमान में जो है कंडक्ट की गई थी। वहीं सिंधु सुदर्शन जो है वो इंडियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि बाड़मेर राजस्थान में की गई थी। टाइगर ट्रियम की जब हम बात करते हैं, इंडिया यूएस की मिलिट्री डील है, जो कि ईस्टर्न सी बोर्ड यानी कि कैकनाड और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वो की गई थी। वहीं जब हम बात करते हैं धर्म गार्जन 2019 की, तो ये इंडिया जापान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि आसाम और सिलचर के बीच में की गई थी। जब IAFTX जो है 2019 की हम बात करते हैं, तो इंडिया और अफ्रीका की जो है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये पूना महाराष्ट्र के बीच में की जाती है। वहीं जब हम 73/2019 की बात करते हैं, तो ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि रशिया में हुई थी। वहीं नोमैडिक एलिफेंट 16 की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया मंगोलिया की एक्सरसाइज है, जो कि बकलोह में जो है की गई थी। वहीं सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में है, जो कि पिथौरागढ़ में हुई थी, जैसे मैंने पहले बताया। युद्धाभ्यास 2019 इंडिया यूएसए जो वाशिंगटन में हुई थी। वज्र प्रहार 10th जो हुआ था वो इंडिया यूएसए जॉइंट बेस लुइस थी, जो कि मैकॉर्ड JBLM इन सेटल में की गई थी। वहीं जब हम बात करते हैं दोस्तों हैंड इन हैंड की, तो इंडिया चाइना की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि उमरोई मेघालय में हुई थी। वहीं मैत्री 2019 इंडिया थाईलैंड, वो भी उमरोई मेघालय में हुई थी। तो देखिए उसके आगे देखते हैं संप्रीति की जो 8th एक्सरसाइज है दोस्तों, वो संप्रीति की एक्सरसाइज जो है वो कहाँ हुई थी। जो संप्रीति की एक्सरसाइज 8th हुई थी वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, और जो ये हुई थी तंजेल बांग्लादेश में। इम्बेक्स की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया म्यांमार की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में की गई थी। वहीं गरुड़ शक्ति की जब हम बात करते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि मिजोरम इंडिया में हुई थी। वहीं वरुणा नेवल एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों। वहीं गरुड़ा की जब बात करते हैं, तो ये इंडियन और फ्रांस की जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। वहीं शक्ति आर्मी एक्सरसाइज की जब बात करते हैं, बायनियल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, राजस्थान में ये कंडक्ट की गई थी। विनबैक्स जो है ये इंडिया और वियतनाम, विनबैक्स यानी कि वियतनाम प्लस इंडिया, और ये कंडक्ट की गई थी पुणे महाराष्ट्र में। वहीं जब हम बात करते हैं इक्वेरियन 10th 2019, तो इंडिया और मालदीव्स की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट की गई थी। हरिमाऊ शक्ति 2018 की जब बात करते हैं, इंडिया मलेशिया, जो कि सेंगई पेड्रिक मलेशिया में की गई थी। इंदिरा की जब हम बात करते हैं इंडिया और रशिया की, तो ये इंडिया में कंडक्ट की गई थी। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, जो कि बेबीना मिलिट्री स्टेशन झांसी उत्तर प्रदेश में कंडक्ट की गई थी। वहीं जो नोवेडिक एलिफेंट 14 जो है वो इंडिया मंगोलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि बकलोह में की गई थी। मित्रा 6 जो है इंडिया श्रीलंका, मित्रा 6 शक्ति जो है वो श्रीलंका में। इंदिरा नेवी जो है 10th इंडिया रशिया, जो कि गोवा कोस्ट में। वहीं वरुणा 17th जो है इंडिया फ्रांस, जो कि गोवा कोस्ट में की गई थी। इंदिरा नेवी 10th जो है दोस्तों, सॉरी ये बंगाल में की गई थी, वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों इसके अलावा देखते हैं जो स्लिनेक्स है 7th, वो इंडिया और श्रीलंका की है, जो कि विशाखापट्टनम में की गई थी। वहीं कोनकन 14th जो है इंडिया और यूके के बीच में, साउथ कोस्ट ऑफ यूके में की गई थी। सिम्बेक्स 2019 जो है इंडिया और सिंगापुर, जो कि साउथ चाइना सी में की गई थी। वहीं इंडो कॉरपोरेट 33 जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। सिटमैक्स जो 2019 जो है सिंगापुर और थाईलैंड, जो कि पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। वहीं जब हम बात करते हैं सहयोग HOPTAC 2019, तो ये इंडिया और वियतनाम की फर्स्ट एवर कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी, जो कि बे ऑफ बंगाल में की गई थी। वहीं गरुड़ की बात करते हैं, तो इंडिया फ्रांस की एक्सरसाइज है, जो मॉन्ट डी मार्सन एयरबेस फ्रांस में जो है की गई थी। इंद्राधनुष की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया यूके की एक्सरसाइज है, यूनाइटेड किंगडम में ये हुई थी। वहीं अभिनंद्र जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में, जो कि लिफ्टेक रशिया में की गई थी। अनुस इंडेक्स जो है वो 3rd बार जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विशाखापट्टनम में हुई। वहीं मालाबार 2019 जो है इंडिया जापान यूएसए, जो कि पैसिफिक ओशन में हुई। दोस्तों आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ, मगर दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो है आप IAS की टीम आपके लिए ये लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं GI टैग के बारे में। तो दोस्तों
तो दोस्तों जो जीआई टैग है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो कंडक्ट देता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जो जीआई टैग है बेसिकली वो स्पेसिफिक है ज्योग्राफिकल ओरिजिन और प्रोसेसेस और उसकी क्वालिटी और रेपुटेशन को लेके उसकी ओरिजिन को देता है। इसके अलावा ये एश्योरेंस देता है क्वालिटी और डिस्टिंक्टनेस विद अदर प्रोडक्ट्स, जो कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और ओरिजिन उस ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी और लोकेलिटी को डिफाइन करता है। और इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 10 साल की होती है, उसके बाद उसे रिन्यू किया जाता है। जीआई टैग इंडिया के फर्स्ट प्रोडक्ट को मिला था जिसको, उसका नाम था दार्जिलिंग टी जो कि 2004 में था। जीआई इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जीआई एक्ट के अंतर्गत जो है जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ का मेंबर क्योंकि है ये एक्ट, उसने डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रिप्स और ट्रिम्स दो एग्रीमेंट है दोस्तों, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रेड TRIMS। तो दोस्तों आपको जो है ये दोनों एग्रीमेंट जो है आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपको ये ट्रिम्स और ट्रिप्स पे भी वीडियो चाहिए और WTO पे स्पेशल एक वीडियो चाहिए तो हम WTO पे एक स्पेशल वीडियो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से बना देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों जो ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू जो है इंडिया ग्रांट करता है। तो दोस्तों अगर आपको जीआई टेक के बारे में ज़्यादा जानना है, इस पर हमने एक ऑडियो विजुअल सीरीज़ जो है टारगेट प्रीलिम्स 2020 करके बनाई है, तो जिसमें स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी तो आपको उनसे देख के जो है आप नोट्स बना लीजिए। अगर ज़्यादा जीआई टेक, वैसे UPSC यही पूछता है कि कौन से स्टेट को कितना दिया गया, अगर फिर भी डिटेल में जानने की इच्छा है तो आप जान सकते हो, उस वीडियो को देख लीजिए। तो जीआई टैग जो है अभी दिडिगुल लॉक को मिला है जो कि कांडांगी साड़ी है तमिलनाडु की, मतलब दिडिगुल लॉक और कांडांगी साड़ी जो कि तमिलनाडु की है उनको अभी अभी जीआई टैग मिला है। तो देखिए ये फोटो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है दिडिगुल लॉक्स की और कांडांगी साड़ी की, तो आइए जानते हैं। तो डिडिकुल लॉक जो है जो वो लॉक सिटीज़ को कहते हैं और ये डिडिकुल लॉक जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जो है जाने जाते हैं, और इसको सिटी ऑफ लॉक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन की अबंडेंस है, तो यहाँ पे जो है लॉक इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होना जो है वाजिब सा है। तो दोस्तों 2019 और 20 तक के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये मिनिस्ट्री की ऑफिशियल साइट से हमने ये जो है फ़ोटो ली हुई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके स्किप नहीं होंगे। तो कालांडी हल्दी जो है एग्रीकल्चरल गुड है और ये उड़ीसा से लिया गया है। उड़ीसा रसगुल्ला की जब हम बात करते हैं तो ये फूड स्टफ है जो कि उड़ीसा का ये जीआई टैग है। तो रसगुल्ला के ऊपर देखिए विवाद भी था बहुत दिनों से, तो उड़ीसा का रसोगुल्ला है, रसगुल्ला और रसोगुल्ला बंगाल का है रसोगुल्ला, तो बंगाल को भी मिला हुआ है वो रसोगुल्ला है, ये रसगुल्ला है रसगुल्ला। तो कोडाई कनाल मलाई पोडू तो ये एग्रीकल्चरल गुड है तमिलनाडु का। पवनडुम जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड है जो कि मिजोरम को इसका जीआई टैग है। नोगोट्रेक जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि मिजोरम से है। वहीं जो हमारा हमाराम है जो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मिजोरम का है। पलानी पंचमित्रम जो है वो फूड स्टॉप है तमिलनाडु का। वहीं तौल लो पौन जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मिजोरम से रिलेटेड है। मिजो पौची जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मिजोरम से है। गुलबर्गा तुरदाल जो है एग्रीकल्चरल गुड है कर्नाटका का। तिरूर बेतल लीफ जो है तिरूर वेतिल्ला जो है एग्रीकल्चरल गुड है केरला का। आयरिश विस्की मैन्युफैक्चर की जाती है मैन्युफैक्चर गुड है और वे आयरलैंड का गुड है। कोला चिल्ली जो है एग्रीकल्चरल गुड है गोवा का। वहीं जब हम बात करते हैं श्रीविल्लोर पलवोका की बात करते हैं तो ये फूड स्टफ है तमिलनाडु का। काजी नींबू जो है उसको आसाम को इसका जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये लिस्ट आप जैसे मैंने बनाई है हूबहू आप वैसे बना लीजिए। तो देखिए लेटेस्ट 2019 की पूरी लिस्ट देख लेते हैं। कडामाल हल्दी उड़ीसा। सांगली चिल्लद टर्मरिक जो है तो ये महाराष्ट्र की सांगली डिस्ट्रिक्ट और प्रभानी जो है इसके मेजर टर्मरिक ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इरोड टर्मरिक जो है वो तमिलनाडु की है। पलानी पश्चिमित्रम जो है प्रसादम के रूप में जो है मृगन इन पलानी तमिलनाडु को इसका जीआई टैग मिला है। तिरुरुर बेतल लीफ सुपारी जो है इसको केरला को इसका जीआई टैग मिला है। टॉलपोन फैब्रिक मिजोपोनल शॉल जो है इसको मिजोरम को मिला है।
मरायूर जैगरी जो है उसको इडुकी केरला को मिला है। वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स ऑफ पेतापुर को जो है गांधीनगर गुजरात, इसको जो है जीआईटेक गुजरात को दिया गया है। डिडिकुल लॉक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, तमिलनाडु को मिला है। काडांगी साड़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। तिरुभुवनम सिल्क साड़ी जो है वो तंजौर तमिलनाडु को मिला है। वहीं बंगाल रसगुल्ला जो है उसको वेस्ट बंगाल को मिला है। वन बैटल ओवर उड़ीसा के ऊपर इसने जो है अभी जो पहले जो था उड़ीसा और इसके बीच में जो टसल चल रहा था वो जो है अल्टीमेटली वोन किया गया इसके द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा। वहीं कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो है कोडुकू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में जो है वो इसको जीआई टैग मिला है। दो चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी जो है, बादाबुडाम अरेबिका कॉफ़ी जो है, ये दोनों जो है कर्नाटका की जो है जीआई टैग वाली हैं, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। वहीं वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये वेस्टर्न घाट की कॉफ़ी है जो कि प्लांटेशन क्रॉप है वायनाड केरला की। वहीं आरू वैली अरेबिका कॉफ़ी जो है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा की जो है जीआई टैग है। वहीं ये जो है मेनली ग्रो की जाती है राज तरंगी, और ये जो है अगली स्लाइड का है दोस्तों। तो अल्फांजो मैंगो जो है, अल्फांजो मैंगो जो है वो मेनली राज तरंगी और सिंध दुर्ग जो है मैंगोज जो है अल्फांजो बेटर नोन एज हापुस इन महाराष्ट्र, तो अल्फांजो मैंगोज की ये बात कर रहा है। वहीं बिहार से शाही लीची जो है इसको हापुर को जो है इसको मुजफ्फराबाद को इसका जीआई टैग मिला है। जरदुलचू मैंगू जो मैंगो जो है उसको बिहार को मिला है। कतरानी राइस सांची लीची सिलाऊ खाजा महल पान जो है वो बिहार को मिला है। सिरसी सुपारी जो है वो उत्तराखंड में जो है ग्रो किया जाता है। कोल्हारी चैपल से जो है वो ग्रो किया जाता है कोल्हापुर सिंगली सोलापुर सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बेलगांव धारवार बालकोट और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। वहीं जब हम बात करते हैं पेतापुर ब्लॉक पेंटिंग की तो ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मतलब ये गुजरात में जो है इसका पूरा जीआई टैग मिला है। कड़कनाथ चिकन को हाल ही में जो है जबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश को जो है उसे जीआई टैग मिला है। वहीं गोविंद दोंग राइस को जो है वेस्ट बंगाल को मिला है। चाऊ मास्क कासमांडी मास्क और मधुकटी मैट जो है उसको वेस्ट बंगाल को मिला है। वहीं नीलांबर टीक जो है उसको केरला को मिला है। काला जीरा और चुली जो है चुली ऑयल जो है उसको हिमाचल प्रदेश को मिला है। और चुनार ब्लोरा पत्थर स्टोन जो है उसको उत्तर प्रदेश जो है सेकंड नेचुरल गुड टू गेट जीआई टैग आफ्टर मतराना मार्बल राजस्थान। तो वहीं जीरा फुल राइस जो है उसको चंडीगढ़ को जीआई टैग मिला है। स्वीट डीके और सिले खाजा जो है बिहार को इसका हाल ही में जीआई टैग मिला है। वहीं राजकोट पटोला जो है इसको जो है गुजरात को इसका जीआई टैग मिला है। वहीं दोस्तों दो आखिरी के बचे हुए हैं गाजीपुर वॉल हैंगिंग तो इसको उत्तर प्रदेश को मिला है। और आदिलाबाद डोकरा वारंगल धुरी जो है वो तेलंगाना को मिला है। तो देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, मुझे लगा होगा कि शुरुआत के कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी तो वो आपको बोरियत लगी होंगी, बट देखिए वो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थे ब्रह्मास्त्र थी। इसके अलावा यूपीएससी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, इस बात की हम आपको एश्योरिटी देते हैं इन दो टॉपिक से। तो पेट्रोलियम प्लांट फ्रॉम प्लास्टिक, तो हाल ही में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने जो है प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला प्लांट एक देहरादून में सेट किया है जो कि जिसकी प्रोड्यूस कैपेसिटी है 800 लीटर फ्रॉम 1 टन ऑफ प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक जो है कलेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनजीओज और ये जो है एक बढ़िया स्टेप है टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ प्लास्टिक। ऑल्सो ये जो है रिड्यूस करेगा इंडिया की डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आगे जानते हैं दोस्तों, ये IIP के बारे में हम जानते हैं। IIP आखिर है क्या, क्योंकि UPSC का हमेशा से फेवरेट एक क्वेश्चन रहा है कि मैंडेट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये 1960 में जो है देहरादून में सेटअप हुई थी और ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ CSIR और डेडिकेटेड है ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो IIP के जो फंक्शन है वो क्या है, ये डेवलप करती है प्रोसेस और प्रोडक्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। इसके अलावा ये पर्सनल को ट्रेन करती है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो ये SST भी करती है फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों आगे के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए जानते हैं
तो दोस्तों एनआरसी पे आ जाते हैं, क्योंकि ये हॉट बर्निंग टॉपिक है एनआरसी, जो नेशनल नेशनल रजिस्टर्ड फॉर सिटीजन जो है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था कि जो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो प्रोलॉन्ग्ड इंसर्जेंसी जो है उसको जो है देखनी पड़ी थी, और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड जो आसाम अकॉर्ड था उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो है पीस इस्टेब्लिश की गई थी, और नागा इंसर्जेंसी जो है एक तरीके से एंड के लिए आई थी। तो इसमें हुआ क्या था, इंडिया सिटीजन्स जो है इसमें एनआरसी की बात जो है वहाँ की सरकार द्वारा की गई थी, और फॉरनर्स जितने थे उनको डिटेन करने की, म्यांमार और बांग्लादेश से जितने भी आए थे उन्हें बाहर भेजने की बात की गई थी उस टाइम, और इंडिजीनियस कल्चर के नागालैंड को जो है प्रिजर्व करने की बात जो है आसाम अकॉर्ड जो है वो करता है। तो आसाम अकॉर्ड जो है 1951 के सेंसस को जो है फॉलो करते हुए जो है बनाया गया है, जिसमें कि जो भी 1951 के सेंसस हैं उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसकी इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस जो है आसाम में जो है बहुत ज़्यादा, जब इलीगल माइग्रेंट्स आने लग जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान से आफ्टर 1971, और आज का जो बांग्लादेश है जिसे कि ईस्टर्न पाकिस्तान उस टाइम पे कहा गया था, तो आसाम एकॉर्ड 1985 जो है वो साइन किया गया था। तो इसका जो क्लॉज 6 है वो ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड मिलेंगे किसको, जो वहाँ के ट्राइबल कल्चर है उसे प्रमोट करने के लिए, उसके कल्चरल सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को जो है आसामी पीपल्स की बचाने के लिए। तो लीगेसी डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया था यूजिंग एनआरसी डेट ऑफ 1951। इसके अलावा जो इलेक्टोरल रोल्स हैं अप टू मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971 जो है वो कलेक्ट किया गया था टू हैव द एनआरसी। तो इसमें इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं एनआरसी में, तो इसकी फ्लॉट प्रोसेस के ऊपर आ रहा है, रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज़ आ रहे हैं, बांग्लादेश जो है रिलक्टेंट है अपने जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको लेने के लिए, और 40 लाख पीपल जो है स्टेटलेस फीलिंग उनमें आ चुकी है, और फीलिंग ऑफ स्टेटलेसनेस जो है वो उनके अंदर जाग चुकी है, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूनाज उनके अंदर है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें जो है उसमें मॉनिटरिंग और प्रोसेस को मॉनिटर करने में जो है लैक कर रहा है, वहीं पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिसी को वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है कि अगर सिटीजनशिप किसी की लॉस होती है तो उस केस में क्या किया जाएगा, वहीं जो इशू का जो है पॉलिटिसाइजेशन जो है ज़्यादा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका वे फॉरवर्ड जो है वो आगे देखने लायक है कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो है एनआरसी में जो है आगे स्टेप्स लिए हैं इसका क्या वे फॉरवर्ड रहेगा, इसके लिए जो है आगे स्टेप्स लिए जाने की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा इशू है। तो आइए अगली बात करते हैं सीबीआई की, जो आज का आखिरी टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीबीआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक सेंट्रल जो है बॉडी है, तो ये आपका पार्ट बनता है जीएस के, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर GS2 के स्टेचुटरी रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का। तो ये जो है संथानम कमेटी की जो है रिपोर्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जो है रिकमेंडेशन पर जो है बनाई गई थी। तो ये बात याद रख लीजिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और सीबीआई कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और सीबीआई जो है प्राइमर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्टैचुटरी बॉडी है, ये भी बात जो है आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो पावर है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से जो है ये अपनी पावर्स जो है डिराइव करती है दोस्तों। तो इश्यूज़ कौन कौन से हैं सीबीआई के साथ, देखिए जो सीबीआई के साथ इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो सीबीआई के साथ जो इश्यूज़ हैं वो हैं वल्नरेबिलिटी अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो सीबीआई अमेंडमेंट जो है एनआईए अमेंडमेंट बिल जो है अभी सरकार हाल ही में लाई है, तो सीबीआई जो है वो इसलिए भी क्रिटिसाइज़ की जाती है क्योंकि ये फंक्शन इम्पार्शली करने में जो है वो अक्षम बताई जाती है, और इसमें जो है सीबीआई की जो ऑब्जेक्टिविटी है एज ए एजेंसी तो ये गवर्नमेंट के अंदर आकर जो है लॉ के अंतर्गत जो है वो पूरी तरीके से सब्ज्यूटाइज हो जाती है। इसके अलावा देखिए इसमें हमेशा डिमांड रही है लोगों की कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो जिसमें कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो है इन्वॉल्व हैं वो कि वो हमेशा सीबीआई को हैंडल किए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमेशा कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट भी इसे कह दिया कि सीजीआई जो है वो एक केस्ड पैरेट है। इस पर यूपीएससी ने 2013 में
सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन पूछ दिया था, तो वो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी टिपिकल सा आ गया था। तो दोस्तों इश्यूज़ इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन से क्या क्या है, जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है सीबीआई का, वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है बाय एनी लेजिस्लेशन। इसके अलावा देखिए क्रिटिक्स सीबीआई के ऊपर भी है कि इन्वेस्टिगेटिव आर्म है ये यूनियन गवर्नमेंट की, जैसे यूनियन गवर्नमेंट कहती है वो वैसा ही करती है, और इसके पास जो है अपना कोई कैडर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये पूरी डिपेंड करती है फॉर फ्यूचर पोस्टिंग्स, इसलिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो है या आधी हो जाती है। तो इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ स्पेशल पुलिस और पब्लिक एलिगेशंस जो है एक डीएसपी डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर जो है दोनों अभी बीच में जो है आमने सामने आ गए थे, और इससे सीबीआई की जो है इमेज को काफ़ी ख़तरा नज़र आ रहा था। तो उसके अलावा देखिए इन्वेस्टिगेशन में जो है लगातार डिले देखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है बहुत सारे सेंसिटिव केस जो है वो सीबीआई को जो है सौंप देने के कारण, और इसमें जो है मैन पावर की काफ़ी कमी बताई जा रही है दोस्तों। तो इसके अलावा देखिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, चैलेंजेस हैं कि यहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है, और रैंक ऑफ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। इसके अलावा कन्विक्शन रेट जो है पार्लियामेंट्री पैनल ने जो है, ये मेंस के लिए फर्दर पॉइंट है आपका, कि पार्लियामेंट्री पैनल ने जो है ये रिपोर्ट किया था कि जो करप्शन के केसेज हैं सीबीआई को जो हैंडल किए जाते हैं कि उनमें कन्विक्शन रेट एज लो एज 3% है, और बिजनेस लाइन की और हिंदू का ये अक्टूबर 31, 2017 का डाटा जो है पार्लियामेंट्री पैनल ने जो दिया था। इसके अलावा जब स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस की जब बात की जाती है तो सीबीआई को जो है हाल ही में जो है इसकी पावर्स को एक्सटेंड किया गया है, मगर उससे पहले जो है सीबीआई जो थी वो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट की परमिशन दोबारा से लेनी पड़ती थी। तो डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर चुके हैं, मिसयूज़ ऑफ सीबीआई कैसे हो रहा है कि ये भी एलिगेशंस हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको सीबीआई का मिसयूज़ करती है टू अपोजिशन पार्टीज से स्कोर सेटल करने के लिए, और इसके जो फंक्शंस हैं वो ओवरलैप करते हैं कि सीबीसी सीबीआई और लोकपाल जो है वो सर्टेन केसेस में एक दूसरे के लिए फंक्शनल प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि दोनों करप्शन के अगेंस्ट हैं। इसके अलावा देखिए आरटीआई का जो है एक्सक्लूजन किया गया है, सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है मगर बोर्फोस स्कैम, जैनवाला केस, 2G स्कैम, कोल स्कैम, इसके अलावा बहुत से प्रोमिनेंट केसेस में जो है आरटीआई ही नहीं लगने दी गई, और इससे ये कहा गया कि इट इज़ अवे फ्रॉम द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स जो है रेज किए गए हैं अगेंस्ट द सीबीआई। तो इसका वे अहेड क्या है, तो देखिए एक नए सेंट्रल लॉ की ज़रूरत है, जो कि एलपी सिंह कमेटी 1978 एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था, तो आपके लिए मेंस के लिए फर्दर पॉइंट है, और इसके सेंट्रल कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो है उसकी ऑटोनॉमी लाने में जो है मदद करेगा। इसके अलावा चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ जो है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, इसके अलावा इसके इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी जो है रिस्टोर करने के लिए जो है काम किया जाना चाहिए, और सीबीआई को जो है अपना डेडिकेटेड कैडर जो है ऑफिसर्स का वो होना चाहिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है और स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है टू हैव इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जो है मेजर्स भी लिए जाने चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी वहाँ जो है इंश्योर की जाए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सीबीआई को भी जो है आरटीआई के अंतर्गत जो है लाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं बता दूं कि हमारा मेन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चल रहा है, उसके जुड़ने के लिए आप 9994943600 पर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप IAS 14 टेलीग्राम पे आप IAS सर्च करके, और अगर कोई भी क्वेरीज है आप हमें डायरेक्ट मेल कीजिए आप IAS.help@gmail.com, और 9994943600 पर आप जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ये आप IAS की जो इनिशिएटिव है वो प्रीलिम्स में हम ये एश्योरिटी देते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हैं, हम 28 क्वेश्चन तो हम आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं या स्टैटिक पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं वो हम टू द पॉइंट हिट द नेल एट द साइट, हम नेल को सीधे हैमर वहीं पे हिट करेंगे जहां से वो अंदर जाएगी। तो सीधे हम ये जो है आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।